बिहार में किन्नरों के सामने अब घुटने टेकेंगे अपराधी। बिहार में अब क्राइम कंट्रोल करेंगे किन्नर। किन्नर संभालेंगे क्राइम कंट्रोल की कमान। बिहार सरकार की तरफ से अब किन्नर समुदाय मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक अच्छी खबर आई है। बिहार में वो दिन दूर नहीं जब किन्नरों के सामने अपराधी घुटने टेकते नजर आएंगे। दरअसल बिहार सरकार ने किन्नरों की आबादी के आधार पर पुलिस बहाली में उनका आरक्षण कोटा निर्धारित कर दिया है। ये बातें सरकार ने पटना हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताई है। इसके अनुसार अब हर जिले में कम से कम एक किन्नर, दरोगा तथा चार सिपाहियों की बहाली तय की गई है। किन्नरों को आबादी के अनुसार पुलिस बहाली में मिला आरक्षण कोटा। पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने पुलिस बहाली में किन्नरों के आरक्षण देने को लेकर वीरा यादव की जनहित याचिका का निष्पादन कर दिया है। इसकी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कार्रवाई रिपोर्ट पेश की, जिसमें सरकार ने आबादी के आधार पर पुलिस बहाली में किन्नरों का आरक्षण कोटा निर्धारित किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में किन्नरों की आबादी कुल आबादी का 0.039% है। हर जिले में एक SI और चार किन्नर कांस्टेबल। राज्य सरकार के वकील अजय ने कोर्ट को बताया कि अब हर जिले में कम से कम एक पुलिस अधिकारी और चार कांस्टेबल के पद पर किन्नरों की नियुक्ति की जाएगी। किन्नरों के लिए पुलिस विभाग में स्पेशल यूनिट बनी है ताकि उनसे जुड़ी सामाजिक विसंगतियां दूर की जा सके। उन्हें निकट भविष्य में और सुविधाएं भी दी जाएंगी। यदि आबादी अधिक हुई तो स्क्वाड और प्लाटून का भी गठन किया जाएगा। चेन्नई में बनी थी पहली किन्नर दरोगा। साल 2017 में तमिलनाडु में भारत की पहली किन्नर दरोगा की तैनाती हुई थी। चेन्नई के चोलाईमेडु पुलिस स्टेशन में 9 अक्टूबर 2017 को ट्रांसजेंडर के प्रीतिका याशिनी ने बतौर सब इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। बता दें कि वीरा यादव की लोकहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय खंडपीठ में सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि किन्नरों को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार के इस जवाब के बाद खंडपीठ ने याचिका को निष्पादित कर दिया। बिहार सरकार के इस फैसले से अब किन्नर भी कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज में चल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।